हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का DPV 1 का डिस्कशन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी ग्लास का दिया गया है। ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5 एंड वेवलेंथ दी हुई है वैक्यूम की जो था 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखी है और वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछा है व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास। जब ये ग्लास से पास करेगा इसकी वेवलेंथ पूछी है। तो हमें एज वी ऑलरेडी नो कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम को, वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम के ऊपर। अच्छा, फर्दर हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को क्या लिख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इंटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम में क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इंटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऑलरेडी नो है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, तो फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी कट जाएगी तो हमारा म्यू का रिलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज लैम्डा नॉट बाई लैम्डा एम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। सो 1.5 दिया हुआ है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ और वैक्यूम दे रखी है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, वेवलेंथ मीडियम में पूछा है तो मीडियम में वेवलेंथ कितना आ जाएगा, दिस इज 6000 डिवाइडेड बाई 1.5, दिस इज इक्वल टू 4000। सो हमारे कौन सा ऑप्शन आर्मस्ट्रॉन्ग में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक लाइट है जिसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 4 × 10⁴ हर्ट्ज एंड वेवलेंथ एक की 5 × 10⁻¹ इन मीडियम। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछी है मीडियम की, ठीक है। सो हम ऑलरेडी देख के आए हैं कि जो हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, डिवाइड सी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम और फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमें बताया एज यू ऑलरेडी नो कि 3 × 10⁸ होती है अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ मीडियम दे रखा है फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ दे रखी है 5 × 10⁻¹। अच्छा, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है 4 × 10⁴ हर्ट्ज, ठीक है। सो यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें म्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, म्यू की वैल्यू हमें 1.5 मिल जाएगी, 3/2 आ जाएगा, दिस इज 1.5, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो रखा है कि अगर हमें म्यू नॉट दे रखा है रिलेटिव परमिबिलिटी एंड के नॉट दे रखा है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा है कैसे। अच्छा, तो इसमें हमें जैसे कि मैक्सवेल लॉ से, मैक्सवेल इक्वेशन से बताया है कि हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में या फिर किसी भी मीडियम में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर परमेबिलिटी और परमिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ से हम, अगर मैं बोलूँ तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बाई वी वेलोसिटी इन मीडियम। अच्छा, सी को फर्दर क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू ऑफ वैक्यूम। अच्छा, म्यू नॉट इसने रिलेटिव परमेबिलिटी को बोल दिया है तो वैक्यूम की परमेबिलिटी को मैं म्यू वी बोल देता हूँ, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी को, ठीक है। और इसमें जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को चलो के नॉट ही बोला है तो इसे ई नॉट ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम को क्या लिखेंगे, वन अपॉन म्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू रिलेटिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोलेंगे। तो लेकिन यहाँ से अगर रिलेटिव के टर्म्स में ऐसे लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे अगर मैं एप्साइलेंट मीडियम को लिखना चाहूँगा तो एप्साइलेंट मीडियम को क्या लिख सकता हूँ, एप्साइलेंट डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट टाइम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो अंडर रूट म्यू वी से कट जाएगा, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टर्म ऊपर आ जाएगा, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एंड के नॉट, जो हमारा सी पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का 3.2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है 4/3। स्पीड ऑफ लाइट पूछी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2×10^8 दे रखी है और लाइट इन ग्लास 2×8 दे रखी है, स्पीड ऑफ वाटर विल भी पूछी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अच्छा अगर म्यू ऑफ ग्लास की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। सिमिलरली अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अच्छा इसे इक्वेशन वन ले लेते हैं, इसे इक्वेशन टू ले लेते हैं। अगर इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देखो यहां से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो सी से सी तो कट जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अच्छा वैल्यूज जो जो दी है वो पुट कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की दी हुई है 3/2, अच्छा वाटर की दी हुई है 4/3। अच्छा यहाँ पे अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखी है कितनी, 2×10^8 और स्पीड इन वाटर पूछी है तो VW पूछा हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो दिस इज 9/8, ये कितना आ जाएगा 9/8 और ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा दिस इज 2×10^8, ठीक है। तो ये फर्दर इसे हम काट सकते हैं, दिस इज 4×9/4×10^8 आ जाएगा, 9/4 को क्या लिख सकते हैं 2.25×10^8, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है इसकी 4200 आर्मस्ट्रॉन्ग इन एयर ट्रेवल्स इन वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, तो इट्स वेवलेंथ इन वाटर विल बी, तो अच्छा ठीक है मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट दे रखी है उसकी वेवलेंथ दे रखी है 4200 इन एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, वेवलेंथ वाटर में पूछ लिया है, सिंपल वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा तो अब हम डायरेक्टली लिख देते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी किसके बराबर होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर या फिर फ्री स्पेस अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा तो म्यू दे रखा है 4/3, अच्छा एयर में वेवलेंथ दे रखी है, एयर की वेवलेंथ, एयर में वेवलेंथ और वैक्यूम में वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है, तो हमें ये हो जाएगा 4200 आर्मस्ट्रॉन्ग और वेवलेंथ इन मीडियम निकाल लिया। अच्छा तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो दिस इज 4000 वेवलेंथ ऑफ मीडियम कितना आ जाएगा मेरा 4200×3/4, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ इसे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये अगर मैं 1050×3 तो कितना आ जाएगा 3150 आ जाएगा मेरा आंसर, मेरा आंसर 3150 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा सिक्स क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आर रेस्पेक्टिवली 4/3 दे रखा है एंड 3/2 दे रखा है। अच्छा देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर फर्स्ट पार्ट और दूसरा बोल रहा है वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाटर का 4/3 है, इसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक साइड में लिख लेते हैं, मी ऑफ वाटर दे रखा है 4/3 एंड मी ऑफ ग्लास दे रखा है 3/2, ठीक है। तो ये म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू हो जाएगा, ये कितना है मेरा 3/2, अच्छा म्यू ऑफ वाटर कितना दे रखा है मुझे 4/3, तो यहाँ से अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये 4 से 2 टाइम्स कट जाएगा, दिस इज नहीं सॉरी ये मेरा आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज 9:8 आ जाएगा,
ठीक है, 9:8, ए ऑप्शन में ही दिख रहा है, इस यही होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, इसे उल्टा कर दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये क्या हो जाता है, 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये अपोजिट रिलेशन होता है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8/9 आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, सेवन्थ पार्ट बोल रहा है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका जो रिफ्रैक्टेड एयर से करती है ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टिव वेव इज, अच्छा रेशियो ऑफ वेवलेंथ पूछा हुआ है। तो देखो, ये अगर एक मीडियम है, यहाँ से लाइट वे आ रही है, एयर इंटू ग्लास, एयर से जा रही है ग्लास में जा रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये नॉर्मल होगा, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर का 1 ले सकते हैं हम, ग्लास का हम म्यू ले सकते हैं, अच्छा ये ग्लास है म्यू ले सकते हैं। अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, अब तुम्हारी ग्लास में, ठीक है। इसको फर्दर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में तोड़ के क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, अच्छा अच्छा इसको फर्दर हम ये भी बोल सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन, ये फ्री वैक्यूम में होता है, वैसे एयर में भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है, तो बाई म्यू ऑफ जी, यही पूछा हुआ है हमसे कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव्स बता दो। तो अगर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, इसमें जो वेवलेंथ है मैं उसे लैम्डा ए बोल रहा हूँ, इसमें जो वेवलेंथ है इसे लैम्डा ग्लास बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नोटेशन मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, सो यहाँ पे अगर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, और इंसिडेंट में वेवलेंथ है लैम्डा ए और ग्लास में है लैम्डा जी, तो ये किसके बराबर है, ये मेरा म्यू के बराबर है, तो म्यू टू 1 आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू आईज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हमें पता है व्हाइट लाइट कहाँ से कहाँ वेरी करती है, उसकी व्हाइट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके कहाँ तक वेरी करती है, 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक, अच्छा ये 10^-6 में बोला है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 4×10^-6 से कहाँ तक वेरी करती है, 8×10^-7 से कहाँ वेरी करती है, 8×10^-7 तक, अच्छा तो अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो द वेवलेंथ ऑफ विजिबल टू किस में, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये विजिबल है मैम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी, अच्छा इनकी वेवलेंथ कांस्टेंट दे रखी है, 4×10^-5, 4×10^-5, अच्छा फ्रीक्वेंसी लीनियरली इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कैसा रिलेशन होता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, तो अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और इंटेंसिटी और एनर्जी का रिलेशन भी पता है, इंटेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, तो अगर एनर्जी ज़्यादा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा, ठीक है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी और इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।